थोड़ा सा और मेहनत करने की कोशिश करता है तो वो और आगे बढ़ जाता है, वो टॉप फाइव में आ जाता है, और मेहनत करता है तो फर्स्ट में आ जाता। ये कहीं अलग से नहीं आते हैं, आप लोगों के बीच में से ही वो निकलते हैं। तो जिस तरह से आप कोई सपना देख करके बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैंने भी सपना देखा था, सिक्स क्लास में देखा था कि फौजी बनना है और एक युद्ध लड़ना है। उस समय सिक्स क्लास में एक बच्चे की आयु 10-11 साल, लेकिन 10-11 साल के बच्चे को बस युद्ध लड़ने की एक ललक थी, जबकि उसको युद्ध का एबीसीडी नहीं पता है कि युद्ध में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन एक विजुलाइजेशन किया, अवचेतन मस्तिष्क में उस छवि को अंकित किया, और जब वो अवचेतन मस्तिष्क में वो छवि अंकित हुई तो उस सपने को जीना शुरू कर दिया। जिया कैसे जाता है? सोल से, आत्मा से, और आत्मा तो हमारे परमात्मा का अंश है, और जो वो सपना आपके साकार करने के लिए आपके परमात्मा उसमें शामिल हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी है कि जो आपके सपनों को साकार होने से रोक सके? कभी नहीं रोक सकती। आप जो सा सोचते हो, जो बनना चाहते हो, जो आप देख रहे हो, वो आप सब बन जाओ। जीवन में डिसिप्लिन, इसके लिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जब इंसान के जीवन में आता है तो बहुत सारी स्वतंत्रताओं को वो खत्म कर देता है, फिर इंसान का दायरा धीरे धीरे सिमट करके नजदीक हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको हर तरह की आजादी नहीं देता है। वो आजादी देता है कि आप सत कर्म में, सत भाव में, सत वचनों से आप कर्म करते जाओ। आपको कोई भी बेहुदा कर्म करने का ये फ्रीडम नहीं मिल सकती है। आपको लगता है कि भारत के संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है तो आप कुछ भी बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि हम बड़े खुशनसीब हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनियों के बाद अगर इंसान का जीवन अगर मिला है, और वो भी इस भारत माँ के गर्भ से मिला है, इससे बड़े सौभाग्यशाली हम नहीं हो सकते। क्योंकि ये धरती जब की, तब की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है, और ऐसी धरती पर जन्म लेना 100 जन्मों के पुण्य के समान है, तो कितने ही बड़े सौभाग्यशाली है। तो उसी सपने को अवचेतन मस्तिष्क में पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के द्वारा धीरे धीरे देखता रहा, बढ़ता रहा, किताबों में पढ़ता रहा कि हिंदुस्तान के सैनिक रण क्षेत्र के अंदर अकेले 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करते हैं, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के उस पर्वत शिखरा पर जहां -50 डिग्री टेम्परेचर है, उस कैद पोस्ट को अपने नाम से कर लेते हैं। SAG स्पेशल फोर्स कमांडो पाकिस्तान की होती है, उसको -50 डिग्री में, कल्पना कीजिए यहां का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री, 7 डिग्री, -60 डिग्री, जहां ये खून नहीं हड्डियां भी जम जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हिंदुस्तान के जवानों ने तिरंगा फहराया है। ऐसे योद्धाओं की कहानियों को पढ़ करके मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था, 12th क्लास का छात्र, और फौज में भर्ती होकर के चला गया। जो भी हम कर्म कर पाते हैं वो किसके द्वारा होता है? सही अगर ट्रेनिंग दी गई है, सही संस्कार दिए गए। जो आप आज यहां विद्यालय परिसर में बैठ करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई एक ट्रेनिंग है आपकी, पार्ट ऑफ लाइफ, जो आपकी लाइफ को बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। ये जो आप मार्कशीट में आपके नंबर आते हैं, अगर 10th के नंबर 95 आए
11th में आकर के उनका वैल्यू जीरो हो जाता है, और 12th में जब आपके 97% आ गए, लेकिन वो बीए में जाने के बाद, ग्रेजुएशन जाने के बाद वो खत्म है, उनकी वैल्यू नहीं। फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स की वैल्यू होती है, और जो मिलता रहता है वो मिट्टी होता रहता है, और जो नहीं मिलता है वो ही सोना होता है। लेकिन सारा कुछ मिलने के बाद जिस दिन जॉब लग जाएगी, और उस दिन आपके कितनी डिग्रियों में कितने परसेंटेज आए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर वैल्यू वहां पर किसकी है? आपकी स्किल की है, योग्यता की है, आपके हुनर की है, आपके डिसिप्लिन की है, आपके संस्कार की है, आपके कार्यशैली की है, कि आप कितनी कर्मठता के साथ उस कार्य को कर पा रहे हैं, आप उस काम को कितनी गुणवत्ता से पूर्ण कर पा रहे हैं। तो ये आपकी वैल्यू होने वाली है, और उसी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग पार्ट्स है। ये आप ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, यहां सीख रहे हैं आप कि आपका कैरियर उस तरह से आगे बढ़ेगा। ऐसे ही प्रयत्न में था, फौज में भर्ती हुआ, उस ट्रेनिंग को प्राप्त करने पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया, और आज एहसास होता है मैं गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था, क्योंकि उस धरती पर कुछ दिनों के बाद एक युद्ध होने वाला था। हमें तो नहीं मालूम था, क्योंकि हम तो इन आंखों से उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है, और परमात्मा ने तो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सब कुछ भविष्य देख रखा है। तो अगले ही 2 साल के बाद बड़ा युद्ध होने वाला है, किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन परमात्मा को मालूम था। तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से आप फर्स्ट से लेकर के 12th तक एक के बाद एक परीक्षा देते हुए आगे बढ़ते हो, ताकि 12 साल के बाद आप 12th की परीक्षा दे सकते, वो आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी योग्यता, इतना ज्ञान अर्जित हो, इतनी समझ आपकी विकसित हो सके कि आप 12th की परीक्षा देने के योग्य बन सके, तभी आपको फर्स्ट से लेकर के 11th तक पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट 12th का परीक्षा देने के लिए आपको नहीं भेजा जाता। तो इसीलिए फौज के अंदर भी बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता था। तो बड़ा युद्ध होने वाला था, तो वहां 1990 से कश्मीर के अंदर उग्रवादियों ने, दहशतगर्दों ने एक अमानवीय क्रूरताओं का तांडव मचा रखा, जिससे हमारी फौज, जो फौज थी 1990 से आज तक लड़ती चली आ रही है, उस युद्ध का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। फिर वर्ष 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो समझ चुके थे, एहसास हो चुका था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए हैं, छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है, इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और ये सच है, जहां शांति होती है वही उन्नति और विकास होता है, चाहे विश्व की शांति हो, विश्व की उन्नति और विकास हो, तो शांति चाहिए विश्व के अंदर, और राष्ट्र की उन्नति और तरक्की आगे करनी है तो राष्ट्र के अंदर भी शांति चाहिए। सोसाइटी की तरक्की होनी है तो सोसाइटी में भी शांति चाहिए, और अगर एक व्यक्ति को उन्नति और प्रगति करनी है तो उसके मन और मस्तिष्क के अंदर भी शांति चाहिए। अगर हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर विचारों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो हम कोई उन्नति और विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस शांति को स्थापित करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा, समझौता एक्सप्रेस शुरू की, ताकि दोनों देशों की आवाम के बीच शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण वातावरण बने और दोनों मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की तरक्की हो, इसलिए उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तोरतुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर एक समझौता था कि सर्दियों के समय दोनों सेनाएं विड्रॉल होगी
और अपने अपने बेस कैंप में चली जाए। हमारी फौज एक अनुशासन प्रिय फौज, डिसिप्लिन्ड फौज, उसी कानून के तहत हमारी फौज तो नीचे आई लेकिन वो नीचे नहीं गई। इतनी मजबूती के साथ वहां पर आकर के बैठ गए कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे। लेकिन वो भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में तो सैनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन की भारी गोलाबारी को चीरते हुए ये हिंदुस्तान के सैनिकों ने उनके बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। 22 दिन तक हमें तोलोइंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ने का मौका मिला। उस युद्ध के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोइंग टॉप पुनः प्राप्त किया। एक के बाद एक मल्टीपल टास्क मिलते रहते हैं। जैसे आपको स्कूल परिसर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं, तो जब टास्क दिए जाते हैं तो वो टास्क आपकी क्षमता, आपकी सक्षमता को निखारने के लिए, उसका आकलन करने के लिए, उसको और पढ़ाने के लिए वो टास्क पे टास्क दिए जाते हैं। ऐसी हमें भी टाइगर हिल, जो कि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए टास्क दिया गया। तो हाइट ज्यादा थी 17,000 फीट, जो कि दुश्मन दूर से बैठा हुआ आसानी से दूर बर्बाद कर सकता था। इसलिए समय का चैन की अंधेरी रातों का इस्तेमाल किया ताकि हमारे मूवमेंट को ना देख सके। और ये हिंदुस्तान की घातक प्लेटून एज ए कमांडो टीम, जिसका मैं एक हिस्सा था, वो टीम को सबसे पहले उस पहाड़ी पर हमला करना। तो रात का हमने चुनाव के रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते। इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चलते चलते तीसरी रात का वो मंजर भी आया जब बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान, जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हुआ। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, विपत्तियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन वो चुनौती आपको तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि वो चुनौतियां, वो समस्याएं आपकी क्षमता का, सक्षमता का आकलन करने के लिए आती हैं। और उन अगर जो बच्चा, जो इंसान उन चुनौतियों को सीढ़ी बनाना सीख गया तो वो बहुत जल्द बुलंदियों के ऊपर पहुंचेगा, पूरी सफलता के ऊपर जाते हैं। आपको बहुत सारे विश्व के उन महानतम लोगों के बारे में बताया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। महानतम वही व्यक्ति बना है जिसने शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब तक उसको उसका गोल ना मिल गया हो, उसने अपनी निरंतरता को ब्रेक नहीं दिया है। वो हमेशा लगातार अपनी उस एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में लगा रहा है। तो उसी तरह से हमें भी चुनौती मिली, लेकिन उस चुनौती को जब देखा, लड़े उससे, तो रस्सियों के सहारे चढ़ने के रास्ते में ऊपर चढ़े, 7 बंदे चल पाए क्योंकि फायरिंग हो गया। हम 7 जवानों जाकर के अधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। टॉप वहां से 50-60 मीटर था, टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, उसकी 150 की स्ट्रेंथ, वो 150, हम केवल 7। लेकिन निर्भीक होकर के उनके साथ लड़ते रहे, साहस के साथ लड़े। और लड़ते लड़ते वो पल आया कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है, एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, मरना निश्चित हो गया। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। हिंदुस्तान के ये बेटे और बेटियां अपने माँ के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। मेरे नौजवान साथियों, कभी जीवन में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले
तो उसके कफन तिरंगे को उठा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर कोई गोली का निशान मिलने वाला नहीं है। और हमारी फौज का भी एक ही रूल्स है, एडवांस विड्रॉल नहीं है उसमें, सब उसमें एडवांस ही होता है। तो जब इतने तो समझदार थे, जो धरती पर पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, इस सोच के साथ कि शेरों की तरह लड़ना है, शेरों की तरह लड़ते हुए मरना है, ऐसे तीन तरफ से घिरे हुए थे। 5 घंटे तक उन पाकिस्तानी सैनिकों से मुकाबला करते लड़ते रहे, और 5 घंटे के बाद ऐसे दृश्य, ऐसे वो पिक्चर भी देखने को मिली जो आज तक शायद आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दने कटती और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है, देखा है, मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी, और मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी निकालता है, उसके हाथ यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर हो जाता है, उसका हाथ पकड़ता हूँ, सब क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोलता। मेरी पकड़ कर जो साथी था, ट्रेनिंग का साथी, उसके मुख से आखिरी शब्द क्या, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, पूरे फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती बाहर हो जाती। एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर गोला गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट जाती है और जमीन पर गिरती है, गर्दन से खून का फुहारा छूटता है, वो बिना सर के धड़ 2 कदम चलता है तो जमीन पर गिर जाता है। जब शरीर से अंग कटकर जमीन पर गिरते हैं, इस तरह से उछलते हैं, किस तरह से वो तड़पते हैं, उनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ऐसे एक एक करके मैंने अपने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने मां भारती की गोद में समाहित होते हुए देखा है। उनको लगा कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मार करके ये चेक कर रहे थे कि इनमें से जिंदा तो कोई नहीं है। वो आकर के जब गोलियां मारने लगे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी, तो उसने सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, तो मुझे भी फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सकता रहा। उनको लगा कि सब मरे थे, और ये क्यों हो पा रहा था, इसलिए हो पा रहा था क्योंकि एक मनुष्य के अंदर जो 4 प्रकार की शक्तियां, जिससे आपको अवगत कराया होगा, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और स्पिरिचुअल शक्ति, ये चारों शक्तियां आपके अंदर एक पैशन को जागृत करती हैं, और वो पैशन आपके परफॉर्मेंस को कितने हाई लेवल तक ले जा सकता है ये आपको अंदाजा नहीं है। आज तक अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो है फॉर्मूले पढ़े होंगे, समझे होंगे, लेकिन ये 3P का फॉर्मूला आपके जीवन को बहुत ऊंची बुलंदियों तक ले जा सकता है। अगर मैं बायो पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो क्यों पढ़ रही हूं, उसका पर्पज क्या है, डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है डॉक्टर। मैं पिछले 2 महीने में 1,60,000 स्टूडेंटों से मुलाकात करके आ रहा हूं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये पता नहीं है कि भाई डॉक्टर क्यों बनना है। मम्मी ने बोला है, कुछ बोलते पापा ने बोला है, 1,60,000 में से एक स्टूडेंट को अपना उस डॉक्टर बनने का पर्पज मालूम था, सर पैसा कमाना है। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बन के अगर तू पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहता है तो इसलिए मेहनत करेगा, पैसा होगा तुझमें। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एक पर्पज है, पहला भी पर्पज, दूसरा पैसन, और तीसरा परफॉर्मेंस। वो चारों शक्तियां निहित थी क्योंकि मुझे अपना पर्पज जीवन का मालूम था, और तभी तो इन गोलियों को सह पा रहा था, उन गोलियों की पीड़ाओं को झेल पा रहा था। आज एक सुई चुभती है तो शरीर में असहनीय पीड़ा हो जाती है, उस समय गोलियां शरीर के आर पार जा रही हैं,
खून के लोए भरे निकल रहे हैं।